हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूं एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट्स लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसबीआई की जो आर्म है, ये एक सब्सिडरी कंपनी है जिसमें 74% जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओन करता है इस कंपनी के अंदर, और 24% की जो होल्डिंग है वो कार्लाइल ग्रुप जो है, सीए रोवर होल्डिंग्स जो है, वो इस ग्रुप को जो वाशिंगटन बेस्ड जो ग्रुप है वो 24% जो है इस कंपनी के अंदर ओन करता है। अब इस आईपीओ के अंदर जो है करीबन 10% का जो हिस्सा है वो सीए रोवर होल्डिंग, जिसको आप कार्लाइल ग्रुप कहते हैं, वो अपना डिसइन्वेस्ट कर रहा है, और 4% की जो होल्डिंग है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने इस एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट में सेल करने जा रहा है। तो सिंपल सी बात यहां पर ये देखने के लिए आ रही है कि इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो क्या हैं और किस तरीके का ये जो बिजनेस है ये करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम इसमें जिक्र करेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि क्या इस शेयर्स को जो है सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या प्राइजेस जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि आईपीओ का प्राइस कहां पर आएगा, और उसके अलावा जो मार्केट के अंदर लिस्टिंग के ऊपर क्या गेन हो सकते हैं या आगे इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, इससे संबंधित सभी बातें, क्या इसके कंपटीटर्स हैं, कौन इस फील्ड के अंदर और प्लेयर्स हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आईपीओ से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहली बात है कि मार्च 2020 को जो है ये ऑफर जो है उपलब्ध होगा, जिसको आप 5 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 तारीख से लेकर और 5 मार्च के बीच में जो है ये ऑफर जो है ओपन रहेगा, और जो भी एप्लीकेशंस लगेंगी वो 11 मार्च को जो है फाइनलाइज हो जाएंगी कि जिन लोगों को भी अलॉटमेंट होगी या नहीं होगी। इंटीमेशन और रिफंड्स, यानी कि जो जिन लोगों ने पैसा जमा किया उनको जो रिफंड्स हैं वो 12 तारीख को होगा, और 13 तारीख को जो है शेयर्स जो है डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, और 16 को जो है वो टेंटेटिव है, लगभग जो है 16 जो मार्च है वहां पर जो है इसकी लिस्टिंग जो है तय की गई है। तो 16 मार्च को जो है लिस्टिंग जो है तय की गई है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है, यानी कि जो एसबीआई है, वो करीबन 74% जो होल्ड करता है। कार्लाइल ग्रुप जो है वो प्रमोटर ग्रुप के अंदर नहीं है, क्योंकि उसने जो है जी जो होल्डिंग्स, जी कैपिटल जो कंपनी है, क्योंकि जो शुरू में जब इस एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट को बनाया गया था तो उससे वो 24% इक्विटी जो है इन्होंने ली थी। आईपीओ की डेट के बारे में आपको बता दिया। बुक बिल्डिंग की प्रोसेस से जो होगा, ये मेन फ्रेम जो मेन फ्रेम बोर्ड के ऊपर जो है ये आईपीओ आ रहा है, तो सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो है कुछ ऑफर फॉर सेल भी होंगे, जो शेयर्स हैं वो 130 करोड़ जो शेयर्स हैं करीबन, वो जो आईपीओ के माध्यम से जो है बेचे जाएंगे, और ये जो आईपीओ के अंदर जो शेयर्स आएंगे ये इनकी जो फेस वैल्यू वो 10 रुपये होगी। अब यहां पर जो सबसे खास बात आ रही है, मैं आपके साथ जो खुल के बात करूंगा वो ये बात करूंगा कि इस आईपीओ का प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, ये 2 दिन पहले जो है डिसाइड होगा, बट मार्केट के अंदर जो अफवाहें हैं वो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 750 रुपये, यानी कि 750 से लेकर 760 रुपीज के बीच की जो है प्राइस होंगे। बट हमें ऐसा लगता है कि जब आईपीओ के प्राइजेस 1 या 2 दिन में जब आएंगे तो जनरली मार्केट की क्या हालत होती है उसको देखते हुए इन प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा ऊपर या नीचे की जो मूवमेंट्स है वो हो सकती है। अगर मार्केट थोड़ी अच्छी नजर आएगी तो ये हो सकता है 770 या 780 तक के भी प्राइस हो सकते हैं, और थोड़ी सी खराब नजर आएगी तो 730 740 के बीच भी हो सकते हैं, क्योंकि आईपीओ को सक्सेसफुल करना जो है वो वास्तव में इश्यूअर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे अभी मार्केट के अंदर जो हवा है, मार्केट के अंदर जिस तरीके का न्यूज फ्लो है उसके अंदर ऐसा माना जा रहा है कि ये जो शेयर है इसकी जो लिस्टिंग है वो 950 रुपये के आसपास जो है हो सकती है। लेकिन इनके ऊपर जो है स्पेकुलेशन करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि इसके बारे में जो कुछ और बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो देखिएगा, इसके आईपीओ के बारे में जो ये कंपनी है, ये जो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट कंपनी है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है एक सब्सिडरी कंपनी है, जो वास्तव में कार्ड्स, जो डेबिट कार्ड्स हैं और क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको इशू करती है और उससे संबंधित बिजनेस करती है। तो सबसे पहली बात इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो एसबीआई कार्ड है ये खुद तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन इसका लोन देने का काम है। तो जनरली ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो कार्ड्स एंड पेमेंट आर्म है, ये जनरली कार्ड के ऊपर जो आप परचेजिंग करते हैं उसके लिए ये आपको फ्री क्रेडिट देती है करीबन 50 दिनों के लिए। अगर आप 50 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो जनरली वो आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये जो कार्ड होल्डर्स हैं उनसे कुछ नहीं लेते, लेकिन जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं जहां पर
कि जिन कस्टमर्स के माध्यम से ये अपना माल बेचते हैं, यानी कि सीधी सी बात है क्योंकि इनके वो भी कस्टमर्स हैं जहां पर पॉइंट ऑफ सेल्स हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं जहां से आप शॉपिंग करते हैं या कस्टमर शॉपिंग करता है, तो वहां से इनको एक कमीशन बेस्ड इनकम आती है। दूसरी जो इनकम है कि अगर आप 50 दिन में पेमेंट नहीं देते हैं, या जो इनके रिटेल कस्टमर्स हैं जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं जो इन्होंने परचेज किए, तो उनके ऊपर एक इनको इंटरेस्ट की अच्छी अर्निंग होती है। अगर ईएमआई बनवा लेते हैं तो करीबन 15% से लेकर 24% तक के जो है जनरली ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं पर एनम बेसिस पे। इसके अलावा अगर आपकी डिफॉल्ट पेमेंट्स होती हैं तो वहां पर ये जो है करीबन 36% तक की जो है इंटरेस्ट पेमेंट और उसके अलावा जो पेनल्टी है चार्जेस वो भी लगाते हैं। तो यहां पर ये जो इनका रेवेन्यू का मेन सोर्सेस है और इनको फंडिंग्स जो है वो जनरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जो बैंक है तो वो इनको पैसा उधार देता है और इस उधार लिए हुए पैसे को ये जो है आगे कस्टमर्स में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके अंदर एक खास बात ये कि जो इसमें इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफी बेहतरीन होता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रूलिंग के बाद जो है इनके जो डिफॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पैसा ये जो देते हैं ये सारा का सारा पैसा अनसिक्योर्ड लोन है, इनके बाद सिक्योरिटी में कुछ भी नहीं होता है, तो वहां पर रिकवरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है जिस तरीके से चेक बाउंस के लिए आप केस कर सकते हैं उसी के बराबर जो है अधिकार जो है इस तरीके की कंपनियों को दे दिए गए हैं। तो इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं तो इसमें जो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेसेस इसको माना जाता है, बहुत प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस जो है माना जाता है। और अभी तक कोई भी क्रेडिट कार्ड की कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप यूएस के अंदर बात करेंगे तो इस तरीके की कंपनियां करीबन 20 के पी रेशो के आसपास जो है शेयर मार्केट में ट्रेड करती हुई नजर आती है, यानी कि 20 की पी रेशो के ऊपर ट्रेड करती नजर आती हैं। अब इस कंपनी के अंदर मैं आपको जो बताना चाहूंगा कि इसका जो पिछले साल के अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो करीबन 10 रुपए का पर अर्निंग पर शेयर जो इस तरीके की कंपनी जो है इसने जो है दिया था 9.43 के आसपास। और अगर हम उसको यहां पे भी एडजस्ट करें उसके 6 महीने में, तो हम ये मान के चलते हैं तो करीबन 12 से 15 रुपए की जो ईपीएस है वो एक साल के अंदर ये जो है यहां पर देती रहेगी। और करीबन हम इसमें मान के चल रहे हैं कि 30% तक की जो है ग्रोथ यहां पर हो सकती है। तो ये जो ग्रोथ वाला जो कंपोनेंट है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो स्टॉक प्राइस की जो है ना आत्मा है, तो और आज की डेट में जो स्टॉक मार्केट में थीम चल रही है उसके अंदर जो ग्रोथ वाले जो शेयर्स हैं उनको हाथों हाथ लिया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जब ये लिस्टिंग होगी इसकी तो करीबन जो 750 रुपए के आसपास जो शेयर आएगा तो वो करीबन 200 रुपए की जो गेंस है वो शायद इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और इसी तरीके से क्योंकि IRCTC की जो लिस्टिंग हुई थी उसके बाद उससे शेयर्स ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए, तो ऐसा माना जा रहा है बहुत सारे जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि 1000 रुपए से ऊपर के भी जो शेयर प्राइस हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ जो है बिजनेस के अंदर काफी जबरदस्त है इस तरीके के बिजनेस के अंदर। तो यहां पर इसके बिजनेस मॉडल के साथ साथ अब इसके मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो देखिएगा मार्केट शेयर के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो HDFC जो है नंबर 1 प्लेयर है इस क्रेडिट कार्ड की मार्केट के अंदर, और दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो करीबन 18% का जो है ये मार्केट शेयर जो है एंजॉय करते हैं पूरे क्रेडिट कार्ड मार्केट का, तो बहुत बड़ा जो है मार्केट शेयर इनके हाथ में। इसके बाद जो है ICICI बैंक और एक्सिस बैंक की बारी आती है, और कुल मिला के ये जो 5 बैंक हैं इसके अंदर कोटक महिंद्रा भी इंक्लूड कर लें तो ये करीबन करीबन जो है 70% जो है मार्केट शेयर जो पूरी क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का है उसको एंजॉय करते हैं। तो SBI कार्ड जो है एक लीडिंग प्लेयर है, और यहां पर जो है इस शेयर्स के अंदर जिस तरीके का ग्रोथ पोटेंशियल और इस तरीके की जो कोई भी और कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो ऐसा भी माना जा रहा है बहुत लोगों के द्वारा कि जिस तरीके से IRCTC के अंदर रिटर्न्स आई हैं तो सिमिलर पैटर्न्स के ऊपर भी रिटर्न्स आ जाएंगी। लेकिन मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि देखिएगा जब मार्केट में इतना बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाता है तो उस तरीके की जो है रिटर्न्स जनरली मार्केट नहीं देती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ग्रोइंग बिजनेस है तो फिर भी मुझे 1000 रुपीज या 950 के आसपास तक के प्राइस जो नॉर्मली ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसे आप बोलते हैं वो मुझे भी लग रहा है। और हालांकि जब लिस्टिंग के बाद मार्केट का कुल ओवरऑल सिनेरियो किस तरीके का होता है वो देखने वाली बात है, लेकिन आज की डेट में जो थीम चल रही है उसको अगर हम फॉलो करें तो जो ग्रोथ वाले जो शेयर्स हैं वो बहुत अच्छे जो है रिटर्न्स दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर्स के अंदर जो है एक इन्वेस्टर को जरूर से जरूर जो है सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिटर्न्स जो है वो मुझे लगता है कि लिस्टिंग के ऊपर बन सकती हैं। लेकिन एक बात ध्यान से देखनी पड़ेगी कि अगर लिस्टिंग का प्राइस ही 900 के सॉरी आईपीओ का प्राइस ही अगर 900 के आसपास आता है तो फिर शायद जो है हमें अपने डिसीजंस को रिव्यू करना पड़ेगा। तो जो प्राइस है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि किन प्राइजेस के ऊपर जो है वो लिया जाए।
आप बात करते हैं कि इसका जो बिजनेस है उसमें जो ग्रोथ वाली करने वाली कंपनी है, अगर इसी सेक्टर के अंदर हम बात करें तो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है वो एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक की जो क्रेडिट आर्म्स है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, हालांकि वो 3 नंबर के ऊपर प्लेयर है अभी मार्केट शेयर के अंदर, और नंबर 1 का जो प्लेयर है वो जो है यहां पर जो है आज की डेट के अंदर वो है एचडीएफसी बैंक। तो सिंपल सी बात है, मार्केट शेयर में एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक जो है तीसरी पोजीशंस के ऊपर नेक टू नेक बने हुए हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे बिजनेस की बात करें कि यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड की जो पेनिट्रेशन है वो भी इंडिया में काफी कम है, तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो प्लेयर्स हैं वो काफी बड़े जो है प्लेयर्स होंगे। और जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई कार्ड, ये मिलाकर करीबन 70% से ऊपर का जो है मार्केट शेयर जो है एंजॉय करते हैं। और जो क्रिसिल की जो रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो बिजनेस है ये 20% की ग्रेड से जो है ग्रो करता हुआ नजर आएगा। अगर उन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को भी देखें तो यहाँ पर जो है हमें काफी अच्छी जो है बेहतरीन प्रेजेंस लगती है। इसके अलावा जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो आप सेल परचेज करते हैं, जो बाकी कॉमर्स के जो पोर्टल्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी जो है क्रिसिल जो कहता है वो कहता है कि 23-28% की जो है ग्रोथ वहां पे देखी जा रही है। तो वहां पे जनरली जो कैश ऑन डिलीवरीज के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो जनरली कम होते हैं और जनरली जो पेमेंट्स होती हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से वो काफी बड़ी होती हैं। तो यहां पर भी जो है एक पॉजिटिव जो है सेगमेंट जो है माना जा रहा है। हालांकि इसके अलावा जो है इनके कुछ रिस्क भी हैं, जो रिस्क है जो डिफॉल्ट रिस्क है, अगर यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड के जो कस्टमर्स हैं अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है और जो लोग बायर हैं अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो वहां पे एक डिफॉल्ट रिस्क है और वहां पे रिकवरी की जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है। दूसरा ये है कि जो बाकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या जो बाकी जो है वॉलेट्स हैं, यानी कि जिसमें पेटीएम भी हो गया या रिलायंस वाले जो है अपना नया वॉलेट जो उन्होंने स्टार्ट किया उसके अंदर, या पेयू मनी या जो बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी जो है इनको चैलेंजेस जो है देखने के लिए भी मिल रहे हैं। वहां पर इनको पॉजिटिवनेस भी है और नेगेटिव भी है, तो कुछ जगह इनको कंपटीशन मिल रहा है और कुछ जगह जो इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो ईपीएस है वो 9.43 थी पिछले साल में, तो उसके बाद जो है यहां पर हमने उसी के हिसाब से अगर हम एंटिसिपेट करें कि 12-15 रुपए के बीच की ईपीएस है और 950-750 रुपए का जो शेयर प्राइस है वो देखने के लिए मिलेगा, तो कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि शेयर बहुत सस्ता है। ये करीबन 55-60 की पी रेशो के आसपास जो है मार्केट के अंदर ऑफर किया जाएगा। तो वहां पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पॉकेट में बहुत कुछ है, लेकिन अभी थीम चल रही है मार्केट में और इस तरीके की थीम्स जो है वो पैसा कमा के दे रही है जो ग्रोथ वाली कंपनी है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक आईपीओ के अंदर जो है इसमें अप्लाई करना चाहिए और यहाँ पर एक अच्छा पैसा जो है बन सकता है। और इसी के बाद जो इनके प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं तो वहां पर जो है इनको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इसके आईपीओ से संबंधित जो मैं काफी बातें मैंने आपके साथ बात की कि किस तरीके का जो बिजनेस है वो ये करते हैं, किस तरीके की ग्रोथ है और किस तरीके के आईपीओ प्राइजेस जो है हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा कि जो फाइनल डिसीजंस पर पहुंचने से पहले आप जो है एक बार अपने विवेक का उपयोग जरूर करें, बट मुझे अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा लगता है कि अगर 750 रुपए के आईपीओ के प्राइसेस आएंगे तो करीबन 200 रुपए जो है वो बन सकते हैं। और दूसरी बात क्या कि क्या मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा, हाँ देखिएगा मेरा अभी तक का जो प्लान है उसके हिसाब से शायद मैं इसके आईपीओ के अंदर जो है अप्लाई करूंगा और करीबन जो है 2-5 लोट के बीच के अंदर जो है शायद मैं अप्लाई करने का प्लान करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मनी है वो टेबल पर उपलब्ध है, क्योंकि मार्केट के अंदर भी जो सिनेरियोज हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो उसके हिसाब से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और जो करंट सिनेरियो उसके हिसाब से मैंने आपके साथ ये जो है डिस्कशन किया। तो मैंने आपके साथ खुल के जो है बात की है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जब तक आईपीओ के जो प्राइजेस हैं जब आएंगे तभी फाइनल जो है डिसीजंस लिया जाएगा कि जो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट किस प्राइस के ऊपर आईपीओ ऑफर कर रहा है। अगर ये 750 से नीचे जितना आएगा उतना जो है फेयर वैल्यू, 750 रुपए से ऊपर जितना जाता है वो शायद हमें लगता है कि हमारे जो पैसे हैं वो कम बनेंगे, लेकिन फिर भी जो है ये एक अलग तरीके का जो है सेगमेंट जो है मार्केट के अंदर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टिसिपेंट्स इसको हाथों हाथ जो है लेंगे और ऐसी उम्मीद के साथ कि आपके भी बहुत अच्छे पैसे इस आईपीओ के अंदर बने, मैं ये वीडियो जो है समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।